राजस्थान में बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के ग्राम काछोला के तालाब में डूबने से दो बालकों की मौत हो गई। दोनों बालक तालाब के किनारे खेल रहे थे। जानकारी के अनुसार काछोला निवासी विकास रेगर और विशाल रेगर दोनों बालक घर से खेलते खेलते तालाब किनारे चले गए, जहाँ एक का पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए विकास भी गया तो वो भी तालाब में समा गया। घटना की जानकारी पास में खड़े लोगों ने तत्काल प्रभाव से गांव के लोगों को दी, जिस पर लोग तालाब के पास पहुंचे और दोनों बालकों की तलाश शुरू की। कुछ ही देर बाद विशाल को लोगों ने ढूंढ निकाला, जिसके बाद उसे चिकित्सालय ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं काफी देर बाद विकास को भी ग्रामीणों ने खोजा, उसे भी हिंडोली चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों बालकों के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है।